पहले आपका अलीगढ़ आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप अलीगढ़ में आए हैं। और आज जो आपने जो संगठन बनाया है राष्ट्रीय की जो विरोधी बौद्धिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है सर? आपने जो बेसिकली देखिए हम लोग शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कैसे बालिका शिक्षा के ऊपर हमारा बच्चियाँ बालिकाएँ हैं वो शिक्षित हों, ओपन के बड़े बड़े पदों पर जाए। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बात है, मुख्य बात यह है कि कैसे आज जो शिक्षा की आवश्यकता है कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पर आज भी बालिकाएं हैं शिक्षा से दूर हैं, उन बालिकाओं को आगे लाके शिक्षित करना, ये हमारा उद्देश्य है। सर, ये जो मुकाम हासिल हुआ है आपको कि आप जो है कि IAS बने हैं और भारत सरकार में आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप जो है धरातल से उठकर इस मुकाम पर पहुंचे, तो ये प्रेरणा जो मिली थी आपको IAS बनने की, तो ये प्रेरणा क्या विरासत में थी या आपने एक माहौल क्रिएट किया अपने आप में? मैं बड़े एक साधारण परिवार से हूं और मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस पद पर पहुंचूं। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इस तरह के संस्कार दिए कि यहां तक मैं पहुंचा हूं और उन्हीं की प्रेरणा से आज तक मैं यहां। सर अभी अभी उन्नाव में साक्षी महाराज जी के द्वारा लोधी गुलाब सिंह की मूर्ति स्थापित की जा रही है, सर उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जितने भी शहीद हैं सब सम्मान के पात्र हैं, सभी सम्मान्य हैं, उनकी मूर्ति लगना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे जो प्रेरणा हमें मिलती है, पूरे समाज को मिलती है, देश को मिलती है, उस प्रेरणा का बड़ा एक संदेश इस बात से जाता है। सर अब तक कितने कार्यक्रम में आप भाग ले चुके हैं उत्तर प्रदेश में? गिनती तो नहीं है, बट जहाँ भी शिक्षा के लिए मुझे लोग बुलाते हैं मैं जाता हूँ। सर जैसा कि हमें पता, हम सर डिवाइस से आते हैं, सर क्या आपका जो आने वाले प्रोग्राम है उसमें डिवाइस को लेकर आप क्या सर राय रखते हैं? नहीं डिवाइस तो नहीं, लेकिन जहाँ भी जैसे मैंने बताया बुलंदशहर हो या कहीं भी, जहाँ भी शिक्षा का कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं ताकि शिक्षा के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर सके। सर डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, मूल मंत्र है। जब आप शिक्षित होंगे, आपकी शिक्षा के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें जिस तरह बच्चों को खासकर बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके उसके लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। जी अभी हमने देखा है कि जो आपका संगठन है राष्ट्रीय विरोधी महासभा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में घूम रहे हैं, विरोधी समाज के कुल छात्र है जो आपका राष्ट्रीय विरोधी महासभा का संगठन है, इसमें 5 बच्चों को IAS ये जानकारी ठीक नहीं है। जानकारी ये है कि अधिकारी कर्मचारी खुद वर्ग ने यह तय किया कि कैसे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसे 5 बच्चों का चयन किया गया है जिन बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, वो अपने जो उनका मुकाम हासिल कर सकें, इसलिए किया गया। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ महीने पहले रायबरेली में कांड हुआ था, लोधी समाज को नहीं मुझे जानकारी ये जो राष्ट्रीय विरोधी महासभा का संगठन है, हमने देखा पूरे भारत में होगा, जैसे दीदी अनुपमा सिंह पूरे भारत भर में गठन कर रही है और लोधी समाज को जागरूक कर रही है, क्या इसको लेकर लोधी समाज जागरूक हो पाएगा या नहीं? ये शिक्षा के माध्यम से समाज जागरूक होगा ये हमारा मानना है और उसी के लिए सब प्रयास हो रहा है, कैसे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सके, गाइड किया जा सके। सर ज़्यादातर सर देखा गया है कि राज्यपाल सर भी हैं, IR सर आप भी हैं, देखिए मुझे लग रहा है कि सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, सभी लोग जब मिलजुल कर प्रयास करेंगे बहुत अच्छा परिणाम आएगा।